नमस्कार, आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जिसको सूजी का शीरा भी कहते हैं। यह नवरात्रि में स्पेशली माता के भोग के लिए और कंजकों के लिए बनाया जाता है। वैसे आपका जब मन करे आप इसे बनाइए और खाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए यह मैंने भारी तले की एक कढ़ाई ली है, जिसको मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। इस कढ़ाई में हम एक कटोरी सूजी डालेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी से ही सारा नाप रखा है, यानी अगर एक कटोरी सूजी ली है तो आधा कटोरी देसी घी लिया है। आप अगर एक कप सूजी ले रहे हैं तो आधा कप देसी घी लीजिएगा, यानी कि अगर 200 ग्राम सूजी है तो 100 ग्राम घी और 200 ग्राम चीनी। यह माप हलवा बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस हलवे में मैंने आधा कटोरी देसी घी डाल दिया है और आँच को मीडियम टू स्लो रखा है। अब हम सूजी को और देसी घी को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमारे सूजी में से 4 या 5 मिनट बाद भीनी भीनी सी भुनने की खुशबू आने लग जाती है। इसका मतलब है हमारी सूजी 3 या 4 मिनट बाद अपना रंग बदल देगी, यानी कि थोड़ी सी गोल्डन या फिर सुनहरी होनी शुरू हो जाएगी। हमें सूजी को जलाना नहीं है, गैस को तेज नहीं करना और गैस को मीडियम टू स्लो रखें, तो हमारी सूजी बहुत अच्छी भुनकर तैयार होगी और हमारे हलवे का भी स्वाद बढ़ जाएगा। इस समय आप गैस बंद भी कर सकते हैं और गैस बंद करके इस सूजी को ठंडा होने पर स्टोर करके रख सकते हैं कांच या फिर स्टील के डब्बे में, और जब कभी आपका मन हो आप इससे हलवा बनाकर खा सकते हैं। और इस सूजी को आप उबलते हुए दूध में डालकर सूजी की खीर भी बना सकते हैं। देखिए, हमारी सूजी भुनकर तैयार है। धीमी आंच पर हमने सूजी भुनी है, इसलिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इससे ज़्यादा हम सूजी को नहीं पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े काजू के डाले हैं और काजू के टुकड़ों को भी 20 से 30 सेकंड के लिए मैं सूजी में चलाते हुए भून लूँगी, जिससे इनका कलर भी थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो बादाम, पिस्ता या फिर और भी कोई ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो इस समय डाल सकते हैं। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से नापकर 4 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल लिया है, ना मैंने पानी को गर्म करा है और ना पानी ठंडा है। 4 कटोरी पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं 1-2 मिनट सूजी और पानी को थोड़ा सा चलाकर मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम चीनी डालेंगे और चीनी भी हम उसी कटोरी से नाप कर जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही डालेंगे। यदि आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी आप थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, लेकिन जो नाप है उसके हिसाब से उतनी चीनी इसमें ना ज़्यादा होती है और ना कम। तो यहाँ चीनी डाल दी मैंने 1 कटोरी। अब चीनी को और सूजी और पानी को थोड़ा सा हिलाते हुए मिलाते हुए 2-3 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच नारियल का बुरादा डाला है। आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी कसकर डाल सकते हैं, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप डालकर देखिएगा, इससे बहुत टेस्टी हलवा हो जाता है। यहाँ मैंने 3 चम्मच किशमिश ली है, किशमिश को भी डाल दिया है। सूजी, पानी और चीनी को लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर हमें पकाना है। 2-3 मिनट बाद ही हमारा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, हमारा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है, यानी कि सूजी फूल चुकी है। अब हमें इस हलवे को नहीं पकाना ज़्यादा, क्योंकि यदि हम हलवे को ज़्यादा पकाएंगे तो वह बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, यानी कि सख्त हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं रहेगा। इस टाइम हम गैस बंद कर देते हैं। हमारा हलवा बनकर तैयार है।
अगर आपको ज्यादा घी वाला हलवा पसंद है तो आप इस समय गैस बंद करने से पहले 2 चम्मच देसी घी हलवे के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे हलवे में चमक भी बढ़ जाती है और वह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर ऊपर से देसी घी ऐड नहीं किया है। यह हलवा भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इस हलवे को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हलवे को नारियल के बारूदे से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। हमारा हलवा माता के भोग के लिए, कंजकों के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल पर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इस आसान से सूजी के हलवे को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि आपका हलवा कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।